हाल ही में हुई एफएटीएफ की एक बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है। एफएटीएफ के दबाव में आकर ही पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को जेल भेजा है। आपको बता दें कि साल 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड साजिद मीर 90 के दशक से आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ा रहा है। साजिद मीर ने आईएसआई की मदद से कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। ये वही साजिद मीर है जिसकी मौजूदगी से पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया था। पाकिस्तानी सरकार ने तो यहां तक दावा किया था कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है। जानकारी सामने आई है कि भारत ने साजिद मीर समेत 30 खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट एफएटीएफ को सौंपी थी, जिनमें से 9 वो थे जिनको संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। इस लिस्ट में लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद, लश्कर का ऑपरेशन हेड जकीउर रहमान लखवी और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। पश्चिमी देशों ने भारत की इस लिस्ट का जोरदार तरीके से समर्थन किया और इसी से मजबूर होकर पाकिस्तान को साजिद मीर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। आपको ये जानकारी भी दे दें कि भारत द्वारा दी गई इस लिस्ट का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस एफएटीएफ से सबसे ज्यादा घबराता है, अब उसी एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय मूल के राजा कुमार एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कार्यभार संभाला है। एफएटीएफ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राजा कुमार भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के रहने वाले हैं। वो सिंगापुर पुलिस और सिंगापुर के गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वो सिंगापुर गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे और अब एफएटीएफ में उनकी नियुक्ति की गई है।